अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे ये क्रिस्पी और जूसी चिकन नगेट्स, और इसे हम थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। तो आए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है और इसे प्रोसेसर में डाल दिया है, और अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर ना हो तो आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें। तो आप देख सकते हैं इसे बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल महीन पीसना है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। फिर इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच पिसी हुई सफ़ेद मिर्ची का पाउडर, अगर आपके पास सफ़ेद मिर्ची ना हो तो आप काली मिर्ची पाउडर डाल दें। फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। वैसे तो इसमें जिंजर और गार्लिक का पाउडर डलता है, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने पेस्ट डाला है, अगर आपके पास हो तो आप वो डालें। फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। अब इसमें डाल देंगे 1 नींबू का रस। फिर इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बटर, यह ऑप्शनल है, लेकिन बटर डालने से अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनते हैं इसलिए बटर डाला है, नहीं तो ये अंदर से थोड़े से रूखे हो जाते हैं इसलिए मैंने बटर डाला है, आप चाहें तो स्किप कर दें। अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 ब्रेड के स्लाइसेस, ये साइज़ में छोटे हैं इसलिए मैंने 5 से 6 डाले हैं, अगर आपके पास बड़े स्लाइस हो तो आप उन्हें 3 से 4 डालें, और मैंने इसके कॉर्नर को कट कर दिया था, आप भी इसे कट करके डालें। अब इसे एक बार और पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें इसी तरह बिल्कुल बारीक इसे पीसना है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। तो इसकी कोटिंग के लिए मैंने यहाँ ले लिए हैं 2 अंडे, और अंडे को दूध के साथ हम डाइल्यूट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 कप दूध ले लिया है, और ये बॉईल किया हुआ नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, इसे अच्छे से फेंट लेंगे दूध के साथ। इसे डाइल्यूट करने से हमारी जो कोटिंग रहेगी वो ज़्यादा मोटी नहीं होगी। फिर मैंने यहाँ ले लिए है ब्रेड क्रम्स, और ये ड्राई ब्रेड क्रम्स है, आपको ना क्या करना है, आपने ब्रेड के स्लाइस को सुखा के इसे पीस लेना है तो ये ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। फिर मैंने यहाँ ले लिया है कॉर्नफ्लावर, और इसमें पानी हमें नहीं डालना है, इसे ऐसे ही रखना है। अब हम क्या करेंगे, चिकन वाला मिक्सचर लेंगे और उसे इस तरह से बोर्ड पर रख देंगे, फिर हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये हमारे हाथों पर चिपके ना। तो इसे इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस करते हुए फैला लेंगे। इसे ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। अब बिस्किट कटर लेंगे और इसे शेप में कट कर लेंगे। मैं यहाँ कटर से शेप दे रही हूँ, आप नाइफ से इसे स्क्वायर शेप में कट कर लें, जो आपको अच्छा लगे आप वैसे इसे कट कर लें। करने से बिल्कुल सेम शेप में बन जाते हैं इसलिए मुझे कन्वीनियंट लगता है, आपको जो अच्छा लगे आप वैसे कट कर लें। अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसे वापस से प्रेस करते हुए फैला लेंगे और वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब सारे कटलेट्स को कॉर्नफ्लावर से कोट कर देंगे, फिर एग में डिप करेंगे, और अब इसे निकाल कर ब्रेड क्रम से कोट कर देंगे। सभी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसे डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने तेल को गर्म होने रख दिया था, तेल को मीडियम गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। ज़्यादा तेज़ गर्म में डालेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे, क्योंकि हमने इस पर ब्रेड क्रम्स और एग से कोट किया है इसलिए कोटिंग की वजह से ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। एक बार में हमें सिर्फ 8 से 10 नगेट्स डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसे मीडियम हीट पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये अच्छे से फ्राई हो गए, इसे तेल से निकालकर एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख देंगे। इसके बाद दूसरी बैच फ्राई कर लेंगे। जब आप इस बैच को निकालें और दूसरी बैच डालें तो उससे पहले आप थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर दें, और 2 मिनट बाद फिर गैस को ऑन करें, उसके बाद फ्राई करें, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म था और अगर आप उसमें डालेंगे तो ये जल जाएंगे, इसलिए गैस बंद करें, ऑयल थोड़ा सा ठंडा करें, उसके बाद गैस ऑन करके इसे फ्राई कर लें। तो नगेट्स बनकर तैयार हैं, इन्हें गर्म गर्म सर्व करें टोमेटो केचप के साथ, और ये बहुत ही जूसी और ऊपर से क्रिस्पी बने। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।